बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिक रूलर। तो हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अनस खान और आज जो कि सुपर एट का बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस में जो है वेस्ट इंडीज के जो है मैदानों में सजेगा भारत बामुकाबला अफगानिस्तान का। हमने पाकिस्तान की शर्टें पहनी, हमारी कोई टीम नहीं खेल रही, हमारी टीम ने हमें डिसअपॉइंट किया, लेकिन हम सपोर्ट करें अपने भाई को, हम सपोर्ट करें अपने भाई को, हम सपोर्ट करें अपनी जान को, जो कि हमारी जो मोहब्बत है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, हमारी दूसरी टीम है अफगानिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान हमारी एक टीम है और उसके इस तरह हमारी जो अफगानी है वो हमारी भाई है और हम सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को। तो बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारी टीम एक है, वो अभी भी हम अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, अभी हमारे पास है, फखर है, हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़ोर आज़म जो पहली टीम आज जो बामुकाबला जो खेला जा रहा है मैच भारत और अफगानिस्तान को, और भारत को जो है वो 4 विकेटें गिर चुकी है 90 रन पर। जी एनएस, क्या लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह स्पिन अटैक है, क्या काबू कर लेंगे इंडिया के? बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ कि 150 के अंदर अंदर बुक कर लेंगे, आसानी से फिर मैच भी जीत जाएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। कम ऑन अफगानिस्तान, वो क्या बोलते हैं कम ऑन अफगानिस्तान, हम जीत कर बताएंगे। बैटिंग भी अच्छी है, ये नहीं कि बैटिंग वो है। अच्छा मुझे एक चीज है, राशिद खान के जो कुछ मैसेज चल रहे हैं वो उस तरह, मतलब उसकी निकोलस पूरन ने भी उनको ओवर में बताया 2-3 छक्के मार दिए, चौका मार दिया, तो राशिद खान को इतना पिटता हुआ मैंने नहीं देखा, वो क्या लगता है आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं राशिद खान? जी बिल्कुल, ये मैच पर होता है ना, कभी किसी का किसका दिन होता है, क्योंकि 11 प्लेयर है, ये टीम वर्क होती है, ठीक है। कभी किसी प्लेयर का दिन नहीं होता, कभी किसी बॉलर का दिन होता है, कभी किसी बॉलर का, तो ये इस पर हमने राशिद खान नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, बैटिंग भी उसकी अच्छी टैलेंटेड है, लाहौर परिंदर की जान है, हमारी जान है, मोहब्बत है हमारी, राशिद खान गुरबाज हमारी मोहब्बत है। तो आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान ने क्रिकेट कैसे इंप्रूव किए? आप कम वक्त में, इतना कम वक्त में, यही पिशावर हमारे साथ ही, हमारे इलाके में, मतलब हमारे क्योंकि हम भाई है तो तेरी खेल करके गए आगे, लेकिन किस तरह कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट लाई, कैसे क्या समझते हैं? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, क्योंकि उन टीम में वो जुड़ी हुई है टीम, जब इत्तेहाद है, मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखें पीएसएल के मैचेस हो रहे थे तो अफगानी जितने भी प्लेयर थे एक जगह पे बैठे हुए थे यहाँ पर, और पीसी में लाहौर में, और अफगानी जितने पठानों से आए थे बड़े दिल जान से मिले थे, और पठानों से, मतलब हम भी पठान है और हमारी मोहब्बत भी एक उस अलग किस्म की पठानों की वजह से भी है, लेकिन उससे पहले मुसलमान की वजह से है, तो हमारी जो है वो कितने भाई चाहे इस तरह बात जिस तरह हमारे रिश्तेदार और हमारे मतलब पठानों से ऐसे गुफ्तगू करते हैं, आईपीएल में भी कह रहे हो, पीएसएल में कह रहे हो, लेकिन वो उस तरह कर रहे हैं, जो कोशिश उनकी ये है कि हम ये मैच जिताएं। तो एक दफा बोल दें, एक दफा कम ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद। तो इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने हमें डिसअपॉइंट किया, ये शर्टें पहने क्योंकि ये हमारी जान है, बिल्कुल हमारी जिंदगी है, कोई शक नहीं, ठीक है, पाकिस्तान हमारी जिंदगी है, अफगानिस्तान हमारा दिल है, ठीक है, अफगानिस्तान हमारा दिल, हमारे जो है आपस में इख्तलाफ जरूर है, हमारे इख्तलाफ जरूर है यहाँ से भी वहां से भी, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है जो यहाँ के कुछ ऐसे बकवास करते हैं तो वहां पे उन लोगों का दिल दुखता है, और वहां से बैठ के कुछ लोग ऐसी बकवास करते हैं तो यहाँ से दिल दुखता है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर यहाँ पे बहुत मेरे दोस्त हैं, बहुत अफगानिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और आज का जो मैच हो रहा है, मैच में थोड़ी बात करें अनस खान, अभी फिलहाल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 93 रन है और 4 विकेटें 11.3 ओवर हो चुके हैं। जी स्कोर कार्ड में बताए, जी स्कोर कार्ड में जी रोहित शर्मा जो है 13 बॉल पे 8, इस तरह क्या हो गया यार, ये रोहित शर्मा विराट कोहली का टूर्नामेंट अच्छा नहीं है, हमारा दूसरा भाई बाबर आजम नहीं, बाबर आजम ब्रांड है, विराट कोहली के साथ मैं नहीं कंपेयर तुम नहीं कर सकते, बाबर आजम ब्रांड है बस, उसके बाद बाबर आजम नहीं, नहीं 24 बार मत करो यार, नहीं 24 बार जिताया यार उसने, उसको वर्ल्ड कप ठीक नहीं जा रहा, बाबर आजम का लगातार वर्ल्ड कप सही नहीं जा रहा, इसका तो चलो नहीं जा रहा। अच्छा उसके बाद विराट कोहली 24 बाई 24, ठीक है। अच्छा एक चीज ये भी है कि अक्सर जो इंडियंस जो है वो बाबर आजम पर ट्रोल करते हैं, मैं खुद ज्यादा ट्रोल करता हूँ, लेकिन हमें हमारा फखर है बाबर आजम से, कोई शक नहीं है, बिल्कुल। विराट कोहली भी कोई इतना अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, वो भी अपनी जो है थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करके रन बनाते हैं, अभी 100 स्ट्राइक रेट से पिछले मैचों में परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, यूएसए के खिलाफ भी नहीं किया, आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं किया, और इसके अलावा जनाब वो उसका ये शुमार होता है जिस तरह शाहिद अफरीदी होता था, जब पिच पर खड़ा होता था ना फिर सारे डरते थे, इसका इस तरह बाबर आजम से भी डरते। अच्छा अच्छा अभी जो सूरत हाल वो क्या लगती है, कितने चांसेस है अफगानिस्तान को, कितने चांसेस है? अच्छा मैंने वो देखे ना 21% वो कह रहे उसके समय में, लेकिन जो 21% चांसेस अफगानिस्तान के, मैं कहता हूँ ना 65% अफगानिस्तान, क्योंकि इंडिया भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट खेल कर नहीं आ रहा, नो डाउट इंडिया बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह यूनिटी दिखा रही है, जिस तरह जोश से खेलती है और जिस तरह खेल रही है, अफ्रीका को मेरे ख्याल से किसको हराया भी रिसेंटली,
न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड को जिस तरह हराया ना, मैं कहता हूँ हैरान हो गया हूँ किस तरह टीम, लेकिन 65% अफगानिस्तान, 35% इंडिया।